नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आज मिर्जापुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। आज हर गरीब की मदद की जा रही है। इसके साथ ही कहा कि अब किसी भी संकट में विश्व भारत की ओर देखता है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और आज हमारा देश बिल्कुल बदल चुका है। तो वही सुल्तानपुर में प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। बता दें चले कि खबर चलने के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर केस दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर संदीप शुक्ला पर भी केस हुआ है। इस जुर्म ये था कि उन्होंने एक जुलूस के दौरान नाबालिग बच्चों से चुनाव प्रचार कराया था। नगर पालिका क्षेत्र के प्रमुख चौराहों से आम आदमी पार्टी ने जुलूस निकाला था। वही चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। खबर चलने पर डीएम जसजीत कौर ने मामले का संज्ञान लिया था और एसडीएम सदर और सीओ सिटी की जांच रिपोर्ट मिलने पर संजय सिंह और डॉक्टर संदीप शुक्ला पर केस दर्ज हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष, आखिरकार प्राइम टीवी की खबर का दमदार असर देखने को मिला है, जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं पर केस दर्ज हुआ है, इनके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह जो है ये प्रचार को लेकर चल रहे हैं, एक हर पार्टियों में जोश भी देखा जा रहा है, उसी को अगर मद्देनजर में अगर सुल्तानपुर की बात भी करें, चुनाव को लेकर प्रचार को लेकर आखिरी आखिरी चरण सीमा पर चल रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी द्वारा जो है लगातार जो है प्रचार तो अच्छे तरीके से किया, लेकिन साथ में एक भव्य रैली यात्रा के दौरान जो है छोटे बच्चों का प्रयोग करने के साथ साथ अधिकारी के संज्ञान में आया। अधिकारी जहां तक संज्ञान लेने के बाद जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई का आदेश कर दिया है और कई तरह की जो है बातें इसमें कही जा रही है प्रशासन द्वारा भी। जो भी इनके ऊपर जो है जो कुछ देखने मिला है वो हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं विवाहिता को ससुराली जनों ने जहरीला पदार्थ पिलाकर कमरे में बंद कर दिया। बताते चले कि विवाहिता ने फोन पर परिजनों को सूचना दी थी। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने विवाहिता को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई है, जिसके बाद विवाहिता के ससुराली जन मौके से फरार हो गए हैं और ये पूरा मामला कौशाम्बी का बताया गया है। थाना काड़ाधाम क्षेत्र में एक महिला के जहर खाकर मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसको जहर दे के मारा गया है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, जो साक्ष्य और सत्यता पाई जाएगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं स्टंटबाज स्टंटबाजी करने से ही बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं इस बार एक बार फिर से गाजियाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो 44 सेकंड का है। ये गाजियाबाद के पौश इलाके राजनगर एक्सटेंशन की सड़क का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार से बाहर निकलकर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। ये बेहद खतरनाक हो सकता है, जरा सी भी गलती हुई तो तेज रफ्तार कार से नीचे भी गिर सकते हैं और एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी खतरनाक स्टंटबाजी थमने का गाजियाबाद में नाम नहीं ले रही है। वार्ड नवासी के एमआईएम पार्षद प्रत्याशी नफीस अहमद बाबू भाई के समर्थन में आज प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली कानपुर आए। उन्होंने भाषण के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों ने सिर्फ मुसलमानों को चुनाव के समय आरक्षण के नाम पर ही राजनीति की है और कभी आरक्षण तक नहीं दिया। तो वही जनता से आप प्रत्याशी ने प्रत्याशियों के लिए वोट की भी अपील की है। बाराबंकी में भयंकर सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और वही 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बताते चले कि हरदोई से बाराबंकी की तरफ से आ रही कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। ओमनी से एक बारात आई हुई थी हरदोई से गदिया में, जिसमें 9 लोग बैठे थे। बारात वापस जा रही थी अभी आज रात में, उसी समय एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 8 लोग घायल हो गए। सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से और पीआरबी के वाहन से लाया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें एक बैजनाथ की यहीं पे मृत्यु हो गई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में।
उसे सभी लोगों को भेजा गया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहां चार लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस प्रकार कुल पांच लोगों की मृत्यु हो गई है, शेष तीन लोगों का इलाज हो रहा है, उनकी स्थिति ठीक है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को भी सूचित कर दिया गया, वो अस्पताल में आ गए हैं और यहाँ पे से जो तीन लोग, इनकी स्थिति ठीक है। रायबरेली में अवैध कटान की खबर को कवर करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। अवैध कटान की खबर छापने से खुन्नस में खाए लकड़ी के ठेकेदार ने अपने गुर्गे के साथ पत्रकार पर हमला बोल दिया और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे, तो ठेकेदार और उसके गुर्गे मौके से फरार हो गए और ये पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके का है। बताते चले कि यहां बचरावा रोड पर आरा मशीन के पास से पत्रकार पर लकड़ी ठेकेदार के गुर्गे ने घेर लिया और जमकर पिटाई के बाद धारदार हथियार से हमला भी कर दिया। गंभीर हालत में उसे सीएचसी में भर्ती कराया, इसके साथ ही आरोपी को हिरासत में भी ले लिया गया है। छविनाथ यादव, ये 57 साल के हैं, उनकी लेफ्ट नी में इंजरी लग रही है, तो यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट किया गया। तो वहीं चंदौली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बताते चले कि अनियंत्रित बलेरो पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद दो लोग घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। तो सड़क हादसे का कहर देखने को मिला है। इस दौरान चंदौली में तेज रफ्तार ने कहर बरपाते हुए लोगों को घायल भी किया है, जिसमें पेड़ से एक बलेरो जा टकराई है, जिसमें दो लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बताई गई है। देवरिया में कलचूरी समाज के इष्ट देव भगवान पर टिप्पणी को लेकर जायसवाल समाज ने कार्रवाई की मांग की है। कथावाचक धीरेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा क्षत्रिय कलचूरी समाज के प्रति अपमानजनक शब्द को लेकर जायसवाल समाज ने देवरिया डीएम जितेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन देकर कथावाचक धीरेंद्र कुमार शास्त्री के ऊपर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल धीरेंद्र कुमार शास्त्री के द्वारा कलचूरी समाज के इष्टदेव भगवान षष्ठ बाहुबली के प्रति सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर जायसवाल समाज ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभी हम डीएम साहब कार्यालय पर, हमारा विषय है हमारे कलचूरी समाज, जायसवाल समाज के आराध्य देव षष्ठ बाहु अर्जुन जी के ऊपर, कौन बोले हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा कुछ धीरेंद्र शास्त्री जी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी किए हैं, उसी संदर्भ में हम लोग उनके ऊपर FIR देने के उपलक्ष्य में डीएम साहब के कार्यालय पहुँचे हैं। हम अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय, अपने जायसवाल समाज के अध्यक्ष JP जायसवाल जी, कृष्णा जायसवाल जी, वीरेंद्र जी, मनोज जी, इन सभी अब जो हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ हम DM साहब को ज्ञापन देने आए हैं। विषय हमारा ये है कि बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा 15 करोड़ जायसवाल समाज के जो बंधु पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके विरुद्ध आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके खिलाफ पूरे देश में जो एक जन आंदोलन छिड़ा हुआ है, जो हर जगह चर्चाएँ हैं, उनके विरुद्ध FIR कराने के लिए हम ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए हुए हैं। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि अनूपशहर कस्बे में मुख्य बाजार होते हुए पुलिस ने BSF के जवानों के साथ मिलकर चुनाव को शांतिपूर्ण एवं संपन्न कराए जाने की लोगों से अपील भी की है। निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पुलिस ने लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाते हुए यह अपील की है कि वो निष्पक्ष होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो वहीं फरीदाबाद में राज्य स्तरीय और लोकल मांगों को लेकर आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने 2 दिवसीय प्रदर्शन शुरू कर दिया है। नगर निगम मुख्यालय के गेट पर सैकड़ों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की, आज वही कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठने को मजबूर है, लेकिन सरकार है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। नगर निगम की जो हमारी सरकार से मांगे हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्के हों, और जो लोकल सतर की मांग डिमांडे हैं
वो हमारे कर्मचारियों की पूरी हो, यही हमारी मांग डिमांड है। हम मांग कर रहे थे कि कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए, ठेकेदारी समाप्त होनी चाहिए और नई भर्ती के माध्यम से यहाँ खाली पदों को भरा जाना चाहिए। ये सारी मांगे, जोखिम भत्ता देना दिया जाए हमें, जो कोरोना टाइम में हरियाणा सरकार जो बात कर रही थी, हम कोरोना के टाइम पे ये वो कर्मचारी है जो जिनको कोरोना योद्धा किया जा बनाया जा रहा था, लेकिन आज वो कोरोना योद्धा यहाँ पर गेट पर बैठे हैं अपनी मांगों के लिए। इसलिए हम नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर दो दिवसीय हड़ताल प्रदर्शन करेंगे, टूल डाउन अगर करना पड़ा तो वो भी करेंगे। सभी कर्मचारी साथियों से अपील है, चंदौली में सीओ के थप्पड़ मारने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर अनिरुद्ध सिंह की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर दो दिन पूर्व डीएम और एसपी से थप्पड़ मारने के मामले को लेकर डीएम और एसपी से सपा प्रतिनिधिमंडल मिला और इसके साथ ही वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। बताते चले कि 4 मई को मतदान के दौरान सपा के पूर्व चेयरमैन के बेटे को सीओ द्वारा थप्पड़ मारा गया था। देखिए, हम लोग बहुत पहले कहे थे चुनाव से पहले कि हम जनता की बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं और अधिकारियों की बदौलत चुनाव लड़ना चाहते हैं। जैसा इनका नज़ारा देखा आपने, जिस दिन वोटिंग हो रही थी, सत्ता दल के विधायक की मौजूदगी में विपक्ष पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के लोगों को जिस तरह से पिटाई करना, अपमानित करना, जानबूझ करके ऐसा काम करना, पोलिंग को प्रभावित करना, तो ऐसी घटना इन्होंने किया है, इनके विरुद्ध तो अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए था। आज लाज और शर्म खत्म हो गया है। विधायक के इशारे पर अगर एक सीओ थप्पड़ मारता है चेयरमैन के भाई को, बेटा को, यह बड़ी शर्मनाक है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर इसी बात पर अगर डंडा उठाने लगे, क्योंकि इशारे पर ही होगा, तो हो सकता है कि इशारे पर कार्यकर्ता भी उठाएं, तो चंदौली में एक बहुत बड़ा बवाल होने का काम होगा। आज हम लोग कहने गए थे कप्तान साहब को, अगर वो नहीं सुनवाई होगी, अगर जो भी कुछ होगा वो कप्तान साहब इसके बारे में जानकारी। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट के पूर्वी जोन के थाना चकेरी पुलिस और सर्विलांस पुलिस को सफलता मिली है। बता दें कि प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी पूर्वी रविंद्र कुमार ने बताया कि काशीराम कॉलोनी अन्ना चौराहे से अंतरराज्य मोबाइल लुटेरों को पिछले एक महीने के अंदर लूट और चोरी किए गए 25 लाख के 181 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया है। ये लुटेरे साहिबागंज झारखंड का रहने वाला है, जिसके 4 साथी फरार है। पूछताछ के दौरान लुटेरे ने बताया कि कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और आसपास के जनपदों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस